आज भारतीय दलित पैंथर कानपुर नगर इकाई के तत्वधान में अंबेडकर प्रतिमा स्थल कंपनी बाग चौराहे नवाबगंज से अंबेडकर धम्म चेतना वाहन जुलूस एवं रैली का आयोजन किया गया। अंबेडकर चेतना रैली में चार पहिया तीन पहिया वाहन बस सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहन के साथ अंबेडकर अनुयायियों ने शिरकत की। कार्यक्रम समापन होने के उपरांत कार्यक्रम के संयोजक एवं भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने आए हुए जन समूह को संबोधित करते हुए बताया कि विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी कृषि मंडी समिति पुकराया कानपुर देहात में 31वें विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह एवं अंबेडकर मेले का आयोजन किया जा रहा है। महान सम्राट महामानव रावण अशोक सम्राट तथागत गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी व 10,000 लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। यात्रा के दौरान बौद्ध धनीराम पैंथर सैयद तौफीक अहमद साजिद सर इंजीनियर कोमल सिंह पास्टर जितेंद्र सिंह अशोक गौतम राजेश गौतम सतीश चंद्र आनंद प्रकाश शिव प्रताप ब श्रवण कुमार राजेंद्र कटेरिया विजय सागर जीतू कौथल प्रभु दयालुम प्रकाश आदर्श गोल्डी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुने क्या कुछ बोले धनीराम बौद्ध। कार्यक्रम है आपका, क्या बताना है? हम बाबा साहब ने जो कहा था कि भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 12 अक्टूबर को पोखराए की धरती पर लेंगे और हमारी मिशन है कि भारत में बौद्धमय बनाने का संकल्प है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है उसके पीछे एक मंशा है कि आगे घड़ा और पीछे झाड़ू बांधी जाए, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।